आगे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि प्रीवियस लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था कि रे में जो आपका डेविएशन होता है उसे किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और उसके ऊपर अपन लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए थे। देखना, आज जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मिरर रोटेशन। अब ये मिरर रोटेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में अपन लोग सीखेंगे। इसको सिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक है ना सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ये आपकी क्या है बेटा, आपका ये आपका प्लेन मिरर है, क्या है आपका प्लेन मिरर। अब देखना, अगर ये आपका प्लेन मिरर है बेटा तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे कोई ना कोई रे इंसिडेंट होगी, तो यहाँ पे आपकी जो एक रे होती है वो इंसिडेंट होती है कुछ इस तरीके से ऐसे, और यहां से आपकी जो रे होती है वो क्या हो जाती है बेटा आपका नॉर्मल के साथ एंगल बनाते बनाते आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हो जाएगा बेटा आपका इंसिडेंट रे आई आर, और यहाँ हो जाएगा बेटा आपका रिफ्लेक्टेड रे। और आप लोग जानते हैं ये जो आपका नॉर्मल होता है, ये जो आपका नॉर्मल होता है इसके साथ जो आपका एंगल आई बनाता है उसी वही आपका क्या बनाता है बेटा आपका एंगल आर बनाता है। मतलब आपका ये अगर थीटा है तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाएगा नॉर्मल वो भी कितना होगा बेटा आपका थीटा होगा। ये आपकी कहानी अपन लोगों को पता है। अब देखना यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे इस मिरर वाले पोर्शन को, या फिर बोलता हूँ ये जो आपका प्लेन मिरर है, अगर मैं इसको फिक्स रखता हूँ और जो आपकी इंसिडेंट रे होती है अगर मैं उसको रोटेट कराता हूँ, सपोज कर लीजिए मैंने इंसिडेंट रे को इस तरीके से रोटेट कराया। कैसे रोटेट कराया मैंने यहाँ पे इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो देखना अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता हूँ तो ये कैसे आएगी बेटा आपकी कुछ इस तरह ऐसे 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 यहाँ ऐसे आएगी, और यहाँ से जब आपकी टकराती है तो ये क्या बनाएगी बेटा आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये सपोज कर लीजिए ये आपकी हो जाएगी इंसिडेंट रे न्यू, और ये हो जाएगी बेटा आपका रिफ्लेक्टेड रे न्यू। अब यहां से यहां तक जो आपका रोटेट किया ओरिजिनल आपका कितना था बेटा आपका थीटा था नॉर्मल के साथ, अब आपका अल्फा ऐड हो गया है। सपोज कर लीजिए अल्फा है तो आप लोग जानते हैं कि आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, तो ये भी आपका कितना बना रहा होगा बेटा आपका अल्फा ही बना रहा होगा। अब देखना एक छोटी सी बात ध्यान रखना, आपने इसको जो रोटेशन दिया वो किधर दिया बेटा आपका, वो कुछ इस तरीके से ऐसे दिया है, ये है बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो आपकी रे थी, यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्टेड रे थी वो किधर रोटेट की, अगर मैं यहाँ देखता हूँ ये कैसे जा रहे हैं आप लोग क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्लॉकवाइज। अब देखना मतलब मेरे को एक चीज पता चली कि अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट रे को अगर क्लॉकवाइज रोटेट कराता हूँ, या फिर मैंने अभी क्या कराया बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता हूँ तो रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल के साथ क्या रोटेट कर जाती है बेटा आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर जाती है। मतलब इंसिडेंट रे रोटेटेड बाय एंटी क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट करेगी बेटा आपकी क्लॉकवाइज। अब देखना अगर मैं यहां पे ऐसा बोलूं कि आपकी जो रे आपकी ओरिजिनल रे इंसिडेंट रे ये वाली, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दूं, कैसे रोटेट करा दूं बेटा आपका क्लॉकवाइज रोटेट करा दूं ऐसे, तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी आपकी क्या हो जाएगी बेटा आपकी रोटेट करेगी। अगर मैंने इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट कराया है तो ये कैसे रोटेट करेगी ये देखना, अगर मैं यहां घूमता हूं कैसे घूम रहा बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये कैसे हो जाएगा बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इंसिडेंट रे रोटेटेड बाय क्लॉकवाइज, देन रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट करेगी बेटा आपका रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज क्या कर जाएगी बेटा आपकी रोटेट कर जाएगी। तो यहां पे आप लोगों को एक चीज समझ में आई कि अगर मैं यहां पे ये जो मिरर होता है अगर मैं इसको फिक्स रखता हूं तो आपकी इंसिडेंट रे को अगर आप लोग क्लॉकवाइज रोटेट कराते हो तो आपका रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाती है। अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता हूँ तो वो क्लॉकवाइज कर जाती है, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे। और अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज रोटेट कराता हूँ तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाती है। और यहाँ पे ये जो एंगल बनाती है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक अल्फा बना रहा है तो इधर भी अल्फा ही बनेगा, अगर मैं बोलता हूँ ये यहाँ से यहाँ तक बना रहा है आपका बीटा तो ये भी कितना बनाएगा बेटा आपका, ये वाला जो एंगल बनेगा वो भी आपका बीटा ही बनेगा। कुछ इस तरीके से आपका ये एक फंडा है, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर अपन लोग आगे चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, बड़े ध्यान से देखना। अब अपन लोग बात करेंगे मिरर रोटेशन की। तो देखना अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं ये आपका जो है वो है बेटा आपका प्लेन मिरर, क्या है बेटा आपका प्लेन मिरर, और यहाँ पे ये जो प्लेन मिरर है इस प्लेन मिरर के ऊपर आपकी सेम कहानी हो रही है कि ये आपका क्या है बेटा आपका इंसिडेंट रे, यहां पे ये क्या है आपका इसकी रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से। ये अगर आपका इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके ऊपर अपन लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है बेटा आपका इसका नॉर्मल, बड़े आराम से देखना इसको, अगर एक बार समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ ये आपका इंसिडेंट रे एंगल बना रही नॉर्मल के साथ थीटा, तो ये भी कितना बनाएगी बेटा आपका थीटा।
इसको बोल देंगे इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा बेटा आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब देखना होता क्या है कि ये जो आपका मैंने मिरर बनाया, ये जो आपका मिरर बनाया, इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं रोटेट कराता हूं, इसको मैं क्या करता हूं बेटा आपका रोटेट कराता हूं। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि जो आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे फिक्स्ड एंड मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल अल्फा। अब देखना मैंने क्या बोला, मैंने बोला इंसिडेंट रे को तो मैंने फिक्स रख दिया। अगर मैंने इंसिडेंट रे को फिक्स रखा है और ये जो आपका मिरर है, ये जो आपका प्लेन मिरर है, इसको क्या करा दिया मैंने, रोटेट करा दिया। तो अगर मैं इसके रोटेशन की बात करता हूं तो मैंने इसको ऐसे रोटेट कराया, इस तरीके से, ऐसे कैसे रोटेट कराया बेटा आपका, इस तरीके से मैंने इसको रोटेट कराया। तो बेटा एक बात बताना, अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कराता हूं तो क्या होगा, ये आपका कुछ इस तरीके से और ये आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं यहां पे इस मिरर को कुछ इस तरीके से रोटेट कराता हूं तो मैं बोलता हूं इसको मैंने क्लॉकवाइज रोटेट कराया। कैसे रोटेट कराया बेटा आपका, क्लॉकवाइज रोटेट कराया अल्फा। अब देखना अगर ये यहां पे ये अल्फा डिग्री से रोटेट करता है, अगर ये यहां पे अल्फा डिग्री से क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटा कि ये जो आपका एंगल है, ये क्या है बेटा आपका, ये जो एंगल है, अगर मैं बोलता हूं यहां पे आपका ये क्या है, कुछ इस तरीके से प्लेन मिरर है, और यहां पे इसका क्या है बेटा आपका नॉर्मल परपेंडिकुलर वाला नॉर्मल, ये क्या है बेटा आपका नॉर्मल। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं, अगर मैं ऐसा बोलता हूं इसको मैंने इस तरीके से रोटेट कराया, जब मैं इसको इस तरीके से रोटेट करूंगा तो इसका नॉर्मल भी रोटेट करेगा। इसका नॉर्मल क्या होता है, इसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा इसका नॉर्मल। तो क्या मैं यहाँ पे बोल दूं कि ये जो मैंने यहाँ पे मिरर को रोटेट कराया है तो इसका जो नॉर्मल होगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब अभी ये नॉर्मल क्या था, ये था, अब इसको मैंने ऐसे रोटेट कराया ये एंगल बन जाएगा इसका नॉर्मल। तो इसका जो नॉर्मल आएगा, इसका जो आपका नॉर्मल आएगा वो कैसा आ जाएगा, इसका जो नॉर्मल आएगा वो कुछ इस तरीके से आपका सिंपल सा ऐसा आ जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या आ गया बेटा आपका इसका नॉर्मल आ गया, क्या आ गया बेटा आपका इसका नॉर्मल आ गया। अब देखना अगर ये नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है तो पहला नॉर्मल कैसा था बेटा आपका, ऐसा था। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो पहला वाला नॉर्मल किस तरीके से ऐसे था, ये अगर नॉर्मल था और अगर मैंने इसको रोटेट कराया अल्फा से तो ये भी कितना रोटेट हो गया बेटा आपका, नॉर्मल भी अल्फा से रोटेट हो गया सेम सेंस के अंदर। तो ये हो जाएगा बेटा आपका रोटेशन ऑफ अ नॉर्मल बाय एंगल अल्फा, ये तो कुछ इस तरीके से हो गया। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे के साथ क्या हुआ, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है उसके साथ क्या हुआ, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे कौन से लॉ फॉलो होते हैं बेटा आपका, रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो होते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी रे होगी वो भी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और वो भी कुछ किसी ना किसी एंगल से क्या हो जाएगी बेटा आपकी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी। मैं सपोज करता हूँ ये आपकी क्या आ गई बेटा आपका रिफ्लेक्टेड रे आ गई, यहाँ पे ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे थी इसके साथ ये कैसे घूम गई, ऐसे घूम गई, मतलब ये भी आपकी कैसे घूमगी, अगर ये क्लॉकवाइज घूमा तो यहाँ पे नॉर्मल भी क्लॉकवाइज घूम गया और ये भी आपकी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। अभी कितनी घूमी ये एंगल मेरे को पता नहीं है, तो मैं इसको मान लेता हूँ बेटा आपका एक्स, क्या मान लेता हूं बेटा आपका एक्स। और मुझे ये पता है कि जो आपका एंगल आई होता है वही आपका क्या होता है, एंगल आर होता है। तो मेरे को यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। अब देखना बेटा मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, यहां से ये जो आपका इंसिडेंट रे है और ये जो आपका नॉर्मल है नया वाला, ये एंगल कितना बना है टोटल, थीटा प्लस अल्फा, मतलब ये आपका कौन सा एंगल है बेटा आपका, इंसिडेंट एंगल। तो रिफ्लेक्टेड रे एंगल भी इसके बराबर ही होना चाहिए। तो एक बात बताना यहाँ पे ये अल्फा है और ये आपका कंप्लीटली कितना है थीटा है, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका, ये थीटा है ये अल्फा है, तो थीटा माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका थीटा माइनस आपका अल्फा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इंसिडेंट रे एंगल और रिफ्लेक्टेड रे एंगल दोनों बराबर होते हैं, तो थीटा प्लस अल्फा बराबर आपका, यहां इसके एंगल देखना, ये कंप्लीट एंगल देखना ये वाला, थीटा माइनस अल्फा प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा बेटा आपका थीटा प्लस आपका अल्फा बराबर आपका थीटा माइनस अल्फा प्लस आपका एक्स, और यहां से ये थीटा और ये थीटा उड़ गया और एक्स बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका टू ऑफ अल्फा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे मिरर को रोटेट कराता हूं क्लॉकवाइज अल्फा से, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, वो भी आपका सेम सेंस के अंदर दुगुने एंगल के साथ क्या हो जाएगी बेटा आपकी
रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा आपका, दुबले एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर मैंने इसको अल्फा घुमाया, रिफ्लेक्ट अगर मैंने मिरर को अल्फा घुमाया तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या घूम जाएगी, 2α घूम जाएगी। तो यहां पे आपका आ जाएगा बेटा आपका मिरर रोटेट रोटेट अल्फा क्लॉकवाइज देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट 2α, कुछ इस तरीके से। और यही चीज मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं यहां पे ऐसा बोलता हूं कि मिरर रोटेट अल्फा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब अगर मैं इसको ऐसे रोटेट नहीं करा, ऐसे रोटेट करा था तो यहां पे जो रिफ्लेक्टेड रे होती वो भी आपकी कैसे रोटेट कर जाती, 2α से सेम सेंस के अंदर रोटेट कर जाती। अगर ये क्लॉकवाइज कर रहा था वो भी क्लॉकवाइज करेगा 2α के साथ, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करता तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज करेगा सेम डबल एंगल के साथ। तो ये कुछ इस तरीके से आपका क्या था बेटा, आपका मिरर रोटेशन था। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा बेटा। अगर ये चीजें समझ में आती है तो बहुत ही अच्छा है, अभी अपन लोग बहुत सारी चीजें और सीखने वाले हैं। अब देखना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि ये जो आपका मिरर रोटेशन था, इस मिरर रोटेशन के अंदर मेरे को खास बात ये पता चली कि अगर मैं यहां पे जो मिरर है उसको अगर मैं क्लॉकवाइज अल्फा से रोटेट कराता हूं तो आपका रिफ्लेक्टेड रे 2α के साथ सेम सेंस में रोटेट कर जाती है। अब देखना, अब अपन लोग यहां पे ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो क्वेश्चंस कैसा है देखना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं ये आपकी क्या है बेटा, आपका ये आपका कुछ इस तरीके से प्लेन मिरर है और यहां पे आपका नॉर्मल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज आराम से देखना। अगर मैं बोलता हूं यहां पे जो आपका इंसिडेंट रे है वो आपकी आ रही है बेटा आपकी 30 डिग्री ऊपर, इस पे आ रही है बेटा आपका 30 डिग्री के ऊपर, तो यहां पे रिफ्लेक्ट कितनी होगी, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी बेटा आपका 30 डिग्री की। कितनी आ जाएगा ये एंगल, ये भी आ जाएगा बेटा आपका 30 डिग्री। अब मेरे को ये बताइए एट व्हाट एंगल, मैं लिख देता हूं यहां पे एट व्हाट एंगल मिरर शुड रोटेट, मिरर should rotate so that reflected ray horizontal। बात समझ में आई, मतलब मैं यहां पे ये जो आपका मिरर है इसको कितने एंगल से रोटेट करूं कि आपका जो रिफ्लेक्टेड रे, ये तो आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए इस मिरर के। तो ये क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे होता है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, बड़े आराम से इसको करना। देखना यार, मुझे एक चीज पता है कि अगर मैं यहां पे मिरर को क्या बोला मैंने यहां पे, अगर मैंने यहां पे मिरर को रोटेट किया यहां पे अल्फा से, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट हो जाएगी बेटा आपका 2α के साथ। अब देखना यार, सिंपल सा मेरे को क्या करना है, मेरे को सिंपल सा ये पता लगाना है कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल कितना है, ये एंगल है बेटा आपका 60 डिग्री। मतलब आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो कितनी हो जानी चाहिए बेटा आपका, यहाँ पे इसके हॉरिजॉन्टल हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए बेटा आपका, ये जो आपका मिरर है इसके क्या हो जानी चाहिए बेटा आपकी, हॉरिजॉन्टल हो जानी चाहिए। अब यार ये क्वेश्चन होगा कैसे, तो एक बात बताना, अगर मैं सबसे पहला वाला केस लेता हूं तो आप लोग जानते हैं अगर रिफ्लेक्टेड रे 2α से रोटेट होती है तो आपका जो मिरर होगा वो कैसे होगा, अल्फा से रोटेट होगा। तो यहां पे मैं कैसे रोटेट कर रहा हूं, तो यहां पे मैं बोलता हूं बेटा आपका रिफ्लेक्टेड रे रे बराबर आपका कितने एंगल से रोटेट हो रही है बेटा आपकी, यहां पर नहीं लिखते हैं, यहां पर बहुत सारी चीजें आ जाएगी। यहां देखना, यहां बोलता हूं बेटा आपका रिफ्लेक्टेड रे, अगर मैं उसको रोटेट कराता हूं, कैसे रोटेट कराता हूं बेटा आपका यहां से यहां तक, तो आपका एंगल कितना बनाना है 60 डिग्री। मतलब अगर ये आपका रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री क्लॉकवाइज घूमती है तो आपका जो मिरर होगा, तो आपका जो क्या होगा बेटा आपका मिरर होगा, वो मिरर कैसे रोटेट करेगा, मिरर इसके आधा रोटेट करेगा, मतलब आपका मिरर रोटेट करेगा 30 डिग्री। कितना करेगा बेटा आपका 30 डिग्री क्लॉकवाइज। मतलब अगर मैं यहां पे मिरर को 30 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो आपका रिफ्लेक्टेड रे कैसे हो जाएगी बेटा आपकी, ये हो जाएगी बेटा आपकी 60 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखना, एक तो पॉसिबिलिटी ये आई,
अब यार एक बात बताना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि ये आपका क्या है बेटा, आपका रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। अब ऐसा थोड़ी बोला है कि हॉरिजॉन्टल कैसे कैसे हो सकती है। अगर मैं इसकी सारी पॉसिबिलिटीज की बात करता हूं तो एक वाली पॉसिबिलिटी से आ गई, इसको यहां से यहां ले आओ, दूसरी पॉसिबिलिटीज आ जाएगी। अगर मैं इसको रिफ्लेक्टेड रे को पकड़ा 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 यहां लेके आता हूं तो ये आपकी दूसरी पॉसिबिलिटीज आ जाएगी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये तो हो जाएगा 180, वही आ जाएगा बेटा आपका 60। तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा आपका सेकंड केस। अगर मैं बोलता हूं बेटा आपका रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय कितने से रोटेट हो रही है बेटा आपका, ये आपका 60 और ये आ जाएगा मतलब आपका 240 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा आपका 240 डिग्री क्लॉकवाइज। कैसे जा रही है बेटा आपका, ऐसे पकड़ के ऐसे 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 क्लॉकवाइज। तो आपका जो मिरर होगा, तो मिरर तो इसका आधा ही रोटेट करेगा, तो मिरर हो जाएगा बेटा आपका कुछ इस तरीके से, मिरर रोटेशन हो जाएगा बेटा आपका 120 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखना ये दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई। अगर मैं तीसरी पॉसिबिलिटीज की बात करता हूं तो यार अपन लोग तो रे को ऐसे भी तो घुमा सकते हैं, अपन लोग हॉरिजॉन्टल कैसे कैसे कर सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। एक तो अपन लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, एक नंबर ऐसे, दूसरा अगर मैं बोलता हूं तीसरा, अगर मेरे को यहां पे इसको हॉरिजॉन्टल करना हो तो मैं कैसे करूंगा, इसको मैं ऐसे पकड़ा, इसको पकड़ के ऐसे 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 ले आया, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका तीसरी पॉसिबिलिटीज। तीसरी पॉसिबिलिटीज में कितना एंगल बन रहा है बेटा आपका, ये तो 90 डिग्री ये वाला, और 90 और ये आपका कितना हो जाएगा 30। मतलब आप इसको कैसे घुमा रहे हैं बेटा आपका। थर्ड नंबर की बात करता हूं, थर्ड नंबर की, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय कितना एंगल है 90 और 30, मतलब आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री कैसे घूम रहा है बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका इसका आधा, मतलब आपका मिरर जो रोटेट होगा वो हो जाएगा बेटा आपका मिरर रोटेट 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये आपकी कितनी बनी बेटा, आपकी तीनों पॉसिबिलिटीज बनी। अब इसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन सी पॉसिबिलिटीज सही है और कौन सी पॉसिबिलिटीज सही नहीं है। अब देखना, सपोज कर लीजिए ये आपका क्या है, मिरर है। पहली पॉसिबिलिटीज देखते हैं ये वाली, अगर रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री रोटेट कर रही है तो मिरर कैसे रोटेट करेगा बेटा आपका, मिरर रोटेट करेगा आपका 30 डिग्री। तो देखना ये आपका क्या है बेटा आपका प्लेन मिरर, इसको 30 डिग्री रोटेट कराना कराना एक बार। अच्छा इसको मैं इसलिए चेक कर रहा हूं क्योंकि अभी आप लोगों को पता चलेगा कैसे क्या हो रहा है और क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं ये एंगल देखता हूं ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना है बेटा आपका 60 डिग्री का एंगल है। अब देखना अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कराता हूं, तो ऐसे पकड़ा और ऐसे करा दिया, ये आपका 60 डिग्री। जैसे मैंने इसको 30 डिग्री कराया तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितनी होगी बेटा आपका, रिफ्लेक्टेड रे आपका 60 डिग्री रोटेट होगी। और यहां पे देखना, यहां पे जब मैं देखता हूं तो आपका जो इंसिडेंट रे है, आपकी जो इंसिडेंट रे है, आपकी जो इंसिडेंट रे है वो कैसे आ रही है बेटा आपकी, इंसिडेंट रे आपकी ऐसे आ रही, कैसे आ रही, ऐसे 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 आ रही। मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, करेक्ट है, ये आपका सही है। अब देखना सेकंड पॉसिबिलिटीज देखना, रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय 240 डिग्री और जो आपका मिरर होगा वो 120 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब देखना बड़े आराम से देखना, 120 डिग्री का बोला है, खट 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 खट, आहा ये क्या हो गया बेटा आपका, ये तो 90 डिग्री आप लोगों ने क्या किया, मिरर को रोटेट किया है। अब देखना ये 90 डिग्री है, उसके बाद के अंदर आपका ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा बेटा आपका करीबन 120 डिग्री। अब यार 120 डिग्री है तो मिरर किधर था, मिरर तो ये है ना। अब देखना ये आपका क्या है, ये तो मिरर है ना, इसके ऊपर आपकी इंसिडेंट रे आ रही है। अब मैंने इसको रोटेट किया 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 और 120 डिग्री पे रोटेट कर दिया और ऐसे कर दिया, तो ये जो आपकी इंसिडेंट रे है वो किस सरफेस पे जा रहा है, इस सरफेस पे, और ये तो आपका मिरर नहीं है। तो अगर ये मिरर नहीं है तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मिरर के ऊपर आपकी, जब प्लेन मिरर के ऊपर आपकी इंसिडेंट रे आपकी गिरेगी तभी तो आपका रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन नहीं होगा और ये वाली जो कंडीशन होगी ये वाली पॉसिबल नहीं है, सारी कंडीशन चेक की जाती है। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे 120 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है तो आपका मिरर कैसे कराऊंगा, 60 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखना 60 डिग्री क्लॉकवाइज, मैंने इसको पकड़ा ऐसे 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 ऐसे, जब मैंने इसको ऐसे रोटेट कराया तब आपका देखना ये तो आपका क्या बन रहा है बेटा आपका, ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है। तो आराम से आपका ये पॉसिबिलिटीज क्या होगी बेटा आपकी, पॉसिबल होगी। तो इस तरीके से अपन लोग क्या देखते हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं। अब थोड़ा अपन लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे आपके दो आंसर एकदम करेक्ट है, जो भी एग्जामिनेशन में आए जो भी आंसर आपको मिले उसको आप लोग टिक कर देंगे। अब अगर मैं यही क्वेश्चन बोलता हूं कि जो मैं यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, जो आपकी इंसिडेंट रे है, अगर मैं यहाँ पे एक नया फंडा लेके आता हूं, अभी तो मैंने बोला कि आपका
आपका एट व्हाट एंगल मिरर शुड रोटेट सो दैट रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल, अगर मैं बोलता हूं रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल, क्या बोल देता हूं बेटा आपका रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल। ये क्या चीज है आप देखना यार, अगर मैं यहां पे ऐसा बोलता हूं ये आपका क्या है बेटा आपका कुछ इस तरीके से, ये यहां पे आपका प्लेन है, क्या है आपका प्लेन मिरर, ये आपका कुछ इस तरीके से। अब देखना अगर ये आपका प्लेन मिरर है तो यहां पे जो आपका ये रे आ रही है वो कुछ इस तरीके से ऐसे आ रही है, और यहां पे ये कैसे हो रही है बेटा आपकी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, और यहां पे अगर मैं नॉर्मल डालता हूं तो ये आपका ऐसे 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 कुछ इस तरीके ऐसे 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 जाएगी। यहां पे मैं बोलता हूं ये एंगल जो है बेटा आपका 30 डिग्री है, ये एंगल भी कितना होता है बेटा आपका 30 डिग्री है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना है कि जो आपका इंसिडेंट रे है, जो आपका क्या है बेटा आपका इंसिडेंट रे, वो तो कुछ इस तरीके से आएगी और रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से आएगी। अब रिफ्लेक्टेड रे को मैं क्या चाहता हूं, ये बेसिकली आपकी वर्टिकल हो जाए, क्या हो जाए बेटा आपका वर्टिकल हो जाए। तो मतलब या तो आपकी वर्टिकल कैसे हो सकती, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, इसके क्या हो जाए बेटा आपकी पैरेलल हो जाए। अब यहां पे आप लोगों को क्या करना है, यहां पे आप लोगों को पॉसिबिलिटीज देखनी है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और आप लोगों को आंसर निकाल के बताना है। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को ये करवाऊंगा बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, और ये बहुत ही अच्छे फंडे होते हैं जिनको आप लोगों को सीखे हुए होने चाहिए। अब देखना, आई होप सो आप लोगों ने ट्राई किया होगा। यार अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज देखता हूं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये वाली जो आपकी रे है, इसको मैं ऐसे ले आऊं, एक नंबर। दूसरी पॉसिबिलिटीज बनती है मेरे पास ये वाली, दो नंबर। तीसरी जो पॉसिबिलिटीज बनती है वो ये बनती है ऐसे, तीन नंबर। और जो चौथी पॉसिबिलिटीज बनती है वो कैसे बनती है, अगर मैं इसको पकड़ता हूं, ये वाली रे को पकड़ता हूं ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी बेटा आपकी चार पॉसिबिलिटीज। तो इन सब के ऊपर अपन लोग क्या निकालेंगे, मिरर रोटेशन निकालेंगे। सबसे पहली पहली बात करते हैं एक नंबर की। तो एक नंबर के केस के अंदर ये कितना कितने डिग्री बेटा, 30 डिग्री। तो मैं बोल देता हूं बेटा आपका रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय 30 डिग्री। कैसे घूम रहा है बेटा आपका, ये घूम रहा है बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जब ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आपका जो मिरर होगा वो तो इसका हाफ ही घूमेगा। ये देखो मिरर अगर अल्फा घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 अल्फा घूमती है, तो आपका जो मिरर रोटेशन होगा, मिरर वो हो जाएगा बेटा आपका कितना बेटा आपका इसका आधा, मतलब आपका 15 डिग्री, सेम सेंस एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड रे को देखो, सेकेंड पॉसिबिलिटीज देखना, सेकेंड पॉसिबिलिटीज कौन सी, ये वाली, इसको पकड़ा श्यंग यहां पे, तो ये आपका कितना है बेटा आपका, ये तो एंगल 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री, 90 और 60 150 डिग्री। तो यहां पे आ जाएगा बेटा आपका रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय कितने एंगल से रोटेट हो रहा है बेटा आपका, ये आपका 60, ये आपका 90, मतलब आपका 150 डिग्री। 150 डिग्री कैसे रोटेट कर रहा है बेटा आपका, ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आपका क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा बेटा आपका क्लॉकवाइज। तो आपका जो मिरर होगा, जो आपका मिरर होगा वो कैसे रोटेट करेगा बेटा आपका, आपका जो मिरर होगा वो रोटेट करेगा 75 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि सेंस जो होता है, जो रोटेशन होता है वो तो सेम ही सेंस में होता है। अगर थर्ड पॉसिबिलिटीज की बात करता हूं, थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या है बेटा आपका, थर्ड है ये वाली। तो मैं कैसे देखा, इसको ऐसे पकड़ा श्यंग ऐसे, कैसे ऐसे। तो ये बात बता, अगर मैं यहां पे बोलता हूं ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल है 90 90 और ये भी आपका 90, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 330 डिग्री। तो मैं बोल देता हूं बेटा आपका रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय 330 डिग्री। कैसे घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब आपका क्लॉकवाइज। तो आपका जो आपका मिरर रोटेशन होगा वो कितना आ जाएगा बेटा आपका, मिरर, तो मिरर आ जाएगा बेसिकली आपका इसका आधा, तो ये आ जाएगा बेटा 330 डिवाइडेड बाय 2 क्लॉकवाइज। अब देखना यहां पे जो ये कहानी है, यहां पे जो ये कहानी है, इस कहानी के अंदर अपन लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चार नंबर की बात करते हैं। अब यार चार नंबर कहां लिखूं, यहां पे लिख लेते हैं। ये अगर मैं चार नंबर की बात करता हूं तो चार नंबर कौन सा है बेटा आपका, चार नंबर आपका सिंपल सा, ये ऐसे इसको पकड़ा और इसको पकड़ के यहां लाया, तो 180 180 और 30 210, कितना हो जाएगा बेटा आपका 210।
अब अगर मैं बोलता हूं बेटा आपका रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय बाय 210 डिग्री, ये कैसे घूम रहा है बेटा आपका, ऐसे कैसे घूम रहा है बेटा आपका, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर कहां है बेटा आपका, ये आपका फोर्थ नंबर, ये इसको ऐसे पकड़ा ऐसे 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 ऐसे, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज, क्या हो जाएगा बेटा आपका एंटी क्लॉक वाइज, तो आपका जो मिरर रोटेशन होगा वो आपका डिवाइडेड बाय आपका 2 होगा, तो हो जाएगा बेटा आपका 105 एंटी क्लॉक वाइज। आई मीन सारी पॉसिबिलिटीज हो, क्या करेंगे अपन लोग एक एक करके चेक करेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब देखना यार, मैं अगर आपको सिंपल सा बोलूं कि ये वाला जो कहानी है ये मिरर से ही समझते हैं, देखो अभी तो मैं आपको मिरर से समझा दूंगा क्योंकि मेरे को फील देना है, लेकिन आप लोगों को सब सोचना पड़ेगा कैसे क्या होता है। रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय 30 डिग्री, तो मिरर 15 डिग्री रोटेट करो, चलो 15 डिग्री रोटेट करना मिरर को, कैसे करना है एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करता हूं तो ये इसको 15 डिग्री, ये आपका 15 डिग्री, अच्छा रिफ्लेक्टेड रे जो आपका इंसिडेंट रे है वो इसके ऊपर आपकी क्या कर रही है बेटा, आपका इंसिडेंट कर रही है, तो ये पॉसिबिलिटीज क्या है बेटा आपकी, पॉसिबल है, तो ये वाली तो पॉसिबल है। अब देखना सेकंड की बात करते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे 150 डिग्री और मिरर आ जाएगा 75 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ये आपका ऐसा और क्लॉकवाइज, एक बात बता ना ये कितना एंगल है बेटा आपका, ये एंगल है बेटा आपका 60 डिग्री, तो मेरे को क्या करना है मिरर को रोटेट करना है, कितना कराना है बेटा आपका क्लॉकवाइज रोटेट कराना है 75 डिग्री, मैंने इसको ऐसे कराया ऐसे कराया ऐसे कराया, ये तो आपका 60 डिग्री हो गया। अब इस केस के अंदर आपकी जो आपका इंसिडेंट रे क्या होती है बेटा आपका, पैरेलल होगी इस मिरर के, लेकिन इसको जैसे ही जैसे घुमाया 15 डिग्री और, तो ये आपकी जो इंसिडेंट रे है वो कहां पे इंसिडेंट हो रही है, इसके बैक सरफेस पे, तो यहां पे रिफ्लेक्ट जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे आती है वो होगी नहीं, जो आपका रिफ्लेक्शन होता है वो होगा ही नहीं, तो यहां पे ये जो पॉसिबिलिटी वो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करता हूं तो ये क्या बेटा रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय 310, तो इसका आधा मतलब आपका इसका आधा कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा बेटा आपका 6, ये आ जाएगा बेटा आपका 5, तो कुछ इस तरीके से आपका 165 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा आपका 165 डिग्री। अब देखना अगर 165 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है तो देखना ये आपके ऐसे, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो मतलब आपका यहां कहीं आ रहा होगा, ये भी आपका बैक सरफेस पे आ रहा है, तो ये वाली जो पॉसिबिलिटीज है इंसिडेंट रे की वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसिडेंट रे जो होती है वो किसके ऊपर इंसिडेंट हुई, इस सरफेस की, और ये वाली सरफेस क्या है मिरर नहीं है, ये मिरर तो ये सरफेस है, तो जो आपकी मिरर प्लेन मिरर होगा उसके ऊपर अगर आपका इंसिडेंट होता है तभी अपन लोग बात करेंगे। अब देखना फाइनली किसके ऊपर चलते हैं बेटा आपका, इसके ऊपर 210 के ऊपर, मतलब आपका मिरर कैसे रोटेट कराना है 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये ऐसे, ये आपका ऐसे, ये तो 90, ये आपका क्या होगा बेटा आपका 90 के बाद में ये आपका कुछ इससे 105, मतलब ये वाली जो इंसिडेंट रे वो इसके ऊपर आपका इंसिडेंट कर रही है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी क्या है बेटा आपका पॉसिबल है। कुछ इस तरीके से आपका जो मिरर रोटेशन होता है उसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग इस तरीके क्वेश्चन निकाल निकाल के ट्राई कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बताना, ठीक है बेटा, चलिए बाकी सब अपन लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।